दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं और हमें सपने देखने में मजा भी बहुत आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सपने देखते हुए डर जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सपने याद ही नहीं रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम आखिर सपना क्यों देखते हैं? वेल, इसका जवाब तो आज तक मॉडर्न साइंस को भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर हम रात में सोते हुए सपना क्यों देखते हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे हजारों सवाल के जवाब मौजूद हैं जिसका जवाब आज तक साइंस को भी नहीं पता है। असल में हम जो सपने देखते हैं उसका हमारे प्रेजेंट लाइफ, पास्ट लाइफ या फ्यूचर लाइफ से कहीं न कहीं संबंध जरूर होता है। हम सभी अपनी लाइफ का लगभग एक तिहाई हिस्सा सोने में गुजार देते हैं और इस एक तिहाई हिस्से में हम जो सबसे ज्यादा काम करते हैं वो है सपने देखना। ज्यादातर लोग इन सपनों को आम समझते हैं, परंतु अगर स्पिरिचुअल दुनिया की बात की जाए तो इसमें सपनों का बहुत महत्व होता है। साइंस हमारे सपनों के इम्पोर्टेंस और इसके मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए एक फील्ड बनाया है जिसको हम ओनीरोलॉजी कहते हैं। वैसे तो साइंस इस बात को मानता है कि सपने हमारे शरीर और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग रात में जब सपना देख रहे होते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उन्हें उनका सपना याद नहीं रहता, या अगर याद रहता है तो धुंधला धुंधला सा, यानी आप अपने सपने के सारी बातों को, एक्सपीरियंस को याद नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, जब आप सपने कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर देखते हो तो वो सपने आपको थोड़े बहुत याद रहते हैं, परंतु जब आप अपने ब्रेन के अनकॉन्शियस लेवल पर पहुंचते हो तब उस समय देखे गए सपने आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं। और एक फैक्ट यह भी है कि आपके ऐसे सपने जो 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में देखे जाते हैं वो आपको कभी भी याद नहीं रह सकते हैं। और एक बात आप और जान लो, बॉडी जिन सपनों को एक्सपीरियंस करता है ना, वो असल में रात को 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में ही देखे गए होते हैं। पर आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है? देखो दोस्तों, ये जो 1:30 से 3:30 बजे का समय है, यही वह समय है जब हर एक व्यक्ति एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा होता है, यानी वो ब्रह्मांडी ऊर्जा से मिल चुका होता है। आपका सूक्ष्म शरीर आपके इस शरीर से बाहर निकल कर ब्रह्मांड की अदर डायमेंशन की यात्रा कर रहा होता है, या सीधा सीधा कहें तो वो इस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से कनेक्ट हो गया होता है जिसके जरिए आपका जीवन चल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में देख सकते हो। यह जो 1:30 से 3:30 बजे का समय है, इसके बीच में देखे गए सपने किसी भी इंसान को याद नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि 3 बजे जिसकी नींद हर रोज खुलती हो उसे आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। यानी अगर आपकी नींद हर रोज 3 बजे ही खुल रही है तो आप आध्यात्मिक शक्तियों से कनेक्ट होने के लिए तैयार हो चुके हो, और इस समय पर मांगी गई आपकी हर एक वीज के पूरे होने की संभावना 60-70% बढ़ जाती है। पर दोस्तों, एक सच यह भी है कि इस समय की नींद पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है और न ही आप इस पर कंट्रोल कर सकते हो। पर दोस्तों, ये जो 1:30 से 3:30 बजे के अलावा जो समय बच रहा है उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है। आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो, अपने किसी भी सवाल के जवाब को पा सकते हो, मनचाहा जीवन जी सकते हो। और इसके बारे में एक सच्चाई जान लो, ज्यादातर लोगों का नाइट फॉल 3:30 बजे के बाद ही होता है या 1:30 बजे के पहले होता है। अगर यकीन न हो तो आप टाइमिंग चेक कर लेना। अब बात करते हैं कि आखिर हम अपने सवालों के जवाब नींद में कैसे जान सकते हैं, कैसे हम अपने नींद में देखे गए सपने को रियल लाइफ के एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने अकॉर्डिंग नींद को बदल सकते हैं और नींद में हम अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो करें, जहां चाहे वहां जाएं, जैसा चाहे वैसा एक्सपीरियंस करें, तो इसका एक सलूशन है, वो है लूसिड ड्रीम। साल 2012 से 2013 के बीच में साइंस ने कई सारी रिसर्च किए और यह साबित किया कि हम अपने सपनों पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम सपने देखते समय भी यह जान सकते हैं कि यह सपना है या हकीकत, और इसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। लूसिड ड्रीम असल में सपनों को सपना मानकर सपने देखने की जबरदस्त टेक्निक है, और इसकी मदद से आप अपने डिप्रेशन लेवल को काफी हद तक कम कर सकते हो, और इस पर बिलीव करके आप अपने एक्ट्रेशन की वाइब्रेशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। लूसिड ड्रीम के रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने सपनों को याद रख सकते हो, उन सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हो जिसे आप असल जिंदगी में आज तक एक्सपीरियंस नहीं किए हो। यानी कि लूसिड ड्रीम के जरिए आप अपने लिए हर एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल में बदल सकते हो। और दोस्तों, अब अगर आपके अंदर इसे जानने की खुजली पैदा हो चुकी है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी जग चुकी है कि हम इसे जानेंगे, तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। असल में लूसिड ड्रीम को करने की बहुत सारी टेक्निक है,
पर मैं अपने व्यूवर्स को सबसे बेस्ट टेक्निक बताऊंगा जिसे हर एक व्यूवर बड़ी आसानी से कर ले और लगातार प्रैक्टिस से बहुत ही कम समय में बेस्ट रिजल्ट पा ले। अगर आप लूसिड ड्रीम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने अंदर दो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। पहला, रात में सोते समय जब भी आपकी नींद खुले तो सबसे पहले आप अपने उन सपनों के बारे में सोचना शुरू करो, उसे याद करना शुरू करो जिसे अभी आप देख रहे थे। हो सके तो आप उसे एक डायरी में लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और दूसरी आदत है रियलिटी चेक। देखो, हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है और हम में से ज्यादातर लोग खुली आंखों से भी सपने देखते हैं, यानी आपके मन में कुछ न कुछ फालतू के विचार हमेशा आते रहते हैं। आप अपने बारे में हर वक्त नई नई सिचुएशन क्रिएट करते रहते हो और ऐसे में आपको एक हैबिट डेवलप करनी है खुद को रिमाइंड कराने की। आपको उन चीजों पर फोकस करना है जो कभी नहीं बदल सकती, जैसे आपके हाथ की उंगलियां, आपके पैर, आपका दौड़ना, आपका चलना। पर जब आप सपने देखते हो ना तो ये सब कुछ बदल जाते हैं। आप उड़ रहे होते हो, आप लगातार गिर रहे होते हो, आप दौड़ने की कोशिश करते हो पर दौड़ नहीं पाते हो, आप किसी को मारते हो पर उसको चोट नहीं लगता, आपका हाथ काम नहीं करता, आप चिल्ला रहे होते हो पर आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है। सपने में आपके साथ ऐसा कुछ होता है और सपने में जैसे ही आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप रियलिटी चेक करो और समझो और खुद को याद दिलाओ कि यह सपना है और बस उसे सपना मानकर एंजॉय करना शुरू कर दो। दोस्तों, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ जैसे ही ऐसी कुछ घटना घटती है, अनबिलीवेबल घटना घटती है, उनकी नींद खुल जाती है, वो उठ जाते हैं। लेकिन ऐसे में आप रियलिटी चेक करके उस सपने को एंजॉय करना शुरू कर दो। और लूसिड ड्रीम करने का एक सबसे इजी मेथड है खुद को लूसिड ड्रीम के लिए तैयार करना, यानी रात में सोने से पहले आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन खुद के लिए बोलो और खुद को रिमाइंड कराओ कि आप लूसिड ड्रीम के लिए तैयार हो और आप लूसिड ड्रीम में जाने वाले हो। ऐसा आप खुद को रिमाइंड करा के सो जाओ। और यदि आपकी नींद रात में भी खुलती है तब आप 2 से 5 मिनट के लिए बैठ जाओ और खुद से कहो कि मैं लूसिड ड्रीम करने जा रहा हूँ। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, अपने ड्रीम से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, 5 मिनट तक खुद से यह बोलो और अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अनुसार अफर्मेशन बोलकर लेट जाओ। आंखें बंद करो और खुद को अपने सपनों के बीच में ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, लूसिड ड्रीम अपने सपनों को जीने की एक जबरदस्त टेक्निक है और अगर आप मेरी बातों पर जितना बिलीव करके खुद को यकीन दिलाओगे, इस टेक्निक पर विश्वास करके प्रैक्टिस करोगे, आपको उतनी ही जल्दी उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा, आप उतनी ही जल्दी सफलता पाओगे। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में बताओ। अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही ब्रेन से जुड़ी लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।